आप लोगों को याद होगा 2019 में जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाई गई थी, और उसके बाद आपने देखा था कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया था। एक तरह से 31 अक्टूबर 2019 को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, एक तो था आपका जम्मू कश्मीर और एक था आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लेकिन आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले आपकी विधानसभा हुआ करती थी और चुनाव भी हुआ करते थे, लेकिन 370 हटने के बाद, जम्मू कश्मीर का एक तरह से विभाजन होने के बाद, यहाँ लंबी समय से अभी तक आपने देखा है कि चुनाव नहीं हुए हैं। अभी हाल ही में परिसीमन आयोग के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं सीटों को लेकर, विधानसभा सीटों को लेकर, और कुछ बढ़ाई गई सीटें कितनी हैं उस पर हम लोग एक विस्तार से बात करेंगे। पहले आप लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देख लीजिए। देखिए, लद्दाख की बात करें तो इसकी राजधानी लेह है, और जम्मू और कश्मीर की बात करें तो श्रीनगर और जम्मू इसकी राजधानी है। एक और बात बता देता हूँ, देखिए लद्दाख में आपकी विधानसभा नहीं होगी, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा भी आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिए, इसकी पाकिस्तान, अगर सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से लगती है, किसकी, जम्मू कश्मीर की। और लद्दाख की बात करें तो आप देखेंगे इसकी पाकिस्तान से भी सीमा लगती है, और आपकी अफगानिस्तान से भी लगती है और चाइना से भी लगती है। और लद्दाख वाले हिस्से में आप देखते हैं कि चाइना अपना भाग बताता रहता है, और पिछले साल आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ झड़प भी हुई थी, हमारे कई सैनिक घायल भी हुए थे। इस साल भी आपने देखा होगा झड़प होती रहती है, घायल होते रहते हैं, कई हमारे शहीद भी होते हैं उसमें, समझ रहे हैं आप लोग। तो चाइना से लगा हुआ है और पाकिस्तान से भी लगा हुआ है, तो इसलिए आप देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ दो फ्रंट पर एक तरह से लड़ाई से जूझ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर में हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय के हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, जम्मू और कश्मीर परिसीमन आयोग द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें की गई हैं। जम्मू संभाग के लिए 6 सीटें और कश्मीर संभाग के लिए 1 सीट बढ़ाई जाए। एक तरह से कहा गया है इस परिसीमन के द्वारा कि जम्मू संभाग के लिए 6 सीटें बढ़ाई जाए और कश्मीर संभाग के लिए 1 सीट बढ़ाई जाए, और अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST समुदायों के लिए यहाँ 16 सीटें आरक्षित की जाए। और आरक्षित के कहने का मतलब ये होता है कि जितने भी सीटें आप देखिए कि एक तरह से आरक्षित हो जाती हैं, उन पर वही व्यक्ति चुनाव लड़ पाएंगे SC ST के। आपके राज्यों में भी आप देखते हैं, लोकसभा में भी आप देखते हैं कि आरक्षित सीटें रहती हैं ST SC के लिए, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसमें आप देखें तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की अब सदस्यों की संख्या 90 होगी, और जबकि केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर की विशेष संवैधानिक स्थिति समाप्त किए जाने से पहले राज्य की विधानसभा में 87 सदस्य हुआ करते थे। ये आप देखिए 2019 के पहले की बात कर रहे हैं, उस समय 87 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे और अब 90 आपको देखने को मिलेंगे। और इन सिफारिशों के आधार पर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के अनुसार इसकी अंतिम रिपोर्ट वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार की जाएगी, और रिपोर्ट में भौगोलिक स्थिति, दुर्गम इलाकों और वर्तमान में जारी परिसीमन प्रक्रिया हेतु संचार के साधनों और उपलब्ध सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आयोग अपनी रिपोर्ट दे। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया घटनाक्रम की बात करें की जाए तो इसमें आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर में पहली परिसीमन प्रक्रिया 1951 में एक परिसीमन समिति द्वारा निष्पादित की गई थी, और इसके तहत तत्कालीन राज्य को 25 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त किया गया था। कितनी, 25 विधानसभा क्षेत्रों में विभक्त किया गया था, बांटा गया था। इसके पश्चात आप देखेंगे 1981 में पहली बार एक पूर्ण परिसीमन आयोग का गठन किया गया था, और इस आयोग द्वारा 1981 की जनगणना के आधार पर वर्ष 1995 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी, और इसके बाद से राज्य में कोई, अब तक कोई परिसीमन लागू नहीं हुआ था। फिर आप देखेंगे 2020 में जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर के लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, और इस आयोग को संघ शासित प्रदेश में 7 अन्य सीटों को जोड़ने और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय को आरक्षण देने का
आदेश दिया गया है। और एक बात आपको बता दूं, ये जो परिसीमन आयोग होता है ये चुनाव की ही बात करता है, चुनाव में सीटें बढ़ाने की ही बात करता है कि जनसंख्या को, किस जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए सीटों को बढ़ाया जाए, ठीक है। और नए परिसीमन के पश्चात जम्मू कश्मीर में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है, और ये सीटें पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के लिए आरक्षित 24 सीटों के अतिरिक्त होंगे और इन सीटों को विधानसभा में खाली रखा जाएगा। तो आपको बता दूं 90 तो वो सीटें होंगी जो जम्मू कश्मीर में आपको देखने को मिलेगी, और 24 सीटों की एक तरह से आप सभी जानते हैं कि जो पाकिस्तान के कब्जे में है कश्मीर वाला हिस्सा, उसके लिए पहले भी आरक्षित थी, समझ रहे हैं, तो वो तो रहेंगी ही। उस पर क्या फैसला होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारा ही हिस्सा है लेकिन वो पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। परिसीमन आयोग के बारे में बात करें या परिसीमन के बारे में बात करें, तो विधायी निकाय वाले किसी राज्य में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण प्रक्रिया होती है इसके तहत परिसीमन के अंतर्गत। और जम्मू कश्मीर में परिसीमन की आवश्यकता की बात करें तो जम्मू कश्मीर और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल 6 मार्च को केंद्र शासित प्रदेश के लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों को फिर से निर्धारित करने के लिए जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। और याद रहे, और इस अधिनियम के तहत राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था। परिसीमन प्रक्रिया के निष्पादन की बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए परिसीमन प्रक्रिया एक वो उच्च अधिकार प्राप्त आयोग द्वारा संपन्न की जाती है, और इस आयोग को औपचारिक रूप से परिसीमन आयोग या फिर सीमा आयोग के नाम से भी आप लोग जानते हैं। परिसीमन आयोग के आदेशों को कानून के समान शक्तियां प्राप्त होती हैं और इन्हें किसी भी अदालत के समक्ष चुनौती नहीं दी जा सकती है। और आयोग की संरचना की बात करें तो परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त परिसीमन आयोग में 3 सदस्य होते हैं जिनमें अध्यक्ष के रूप में उच्चतम न्यायालय के सेवारत या फिर सेवानिवृत्त न्यायाधीश होंगे, और इसमें सदस्य के रूप में मुख्य निर्वाचन आयुक्त अथवा इसके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त एवं राज्य निर्वाचन आयुक्त भी शामिल रहेंगे। इन 3 लोगों को एक तरह से बनाकर ही आपका परिसीमन आयोग बनाया जाता है, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिए। अगर हम लोग संविधानिक प्रावधान की बात करें किसके परिसीमन के, तो संविधान का अनुच्छेद 82 आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रत्येक जनगणना के पश्चात भारत की संसद द्वारा एक परिसीमन अधिनियम कानून बनाया जाता है। और अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को भी क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो एक तरह से आप सभी जानते हैं कि मान लीजिए कि आज 2011 की, मान लीजिए अभी जनगणना आप सभी जानते हैं 2011 की है, 2021 के आंकड़े अभी आए ही नहीं, तो 2011 में आप सोचिए कि एक क्षेत्र में 50 लाख या 60 लाख पर कोई लोकसभा सदस्य चुना गया था, मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, और मान लीजिए कि उस क्षेत्र की अगर जनसंख्या 2021 में और बढ़ जाती है तो क्या उसके लिए एक ही लोकसभा सदस्य रहेगा या बढ़ा, वहां जनसंख्या के हिसाब से सीटें बढ़ा देनी चाहिए। तो उस तरह से आप सभी जानते हैं, इसीलिए क्या होता है कि परिसीमन का आयोग का गठन होता रहता है, परिसीमन लागू होता रहता है। और जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि पहले और सीटें थी, कुछ और था, आप सभी जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ चुकी है और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, तो नए सिरे से आप कह सकते हैं कि इसमें सीटें कितनी जोड़ी जाएं, क्या हो, इसी को लेकर ये परिसीमन बनाया गया है। तो इस यहाँ आप लोग याद रख सकते हैं, यही जो पॉइंट आपको बताया गया है इन्हीं से हो सकता है क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता रहता है, पूछा जाएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आ भी जाते हैं कई बार, ठीक है।